my dear kids i hope you all are fine our today's maths topic is concept of thick and thin concept of thick and thin is very easy concept i hope my kids with the help of this practice sheet the concept of thick and thin will be clear to you first of all my dear kids we will understand what is thin and what is thick thin ka matlab patla थिक का मतलब मोटा इस प्रैक्टिस शीट में माय डियर किड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर टू कैंडल्स हैं दोनों का शेप एंड साइज अलग अलग है अब जो कैंडल पतली है उसके नीचे आप थिन लिखेंगे जो कैंडल मोटी है उसके नीचे आप थिक लिखेंगे किसी भी पतली चीज़ का आप थिन कहेंगे किसी भी मोटी चीज़ के उसके कंपैरिजन में आप थिक कहेंगे थिन, थिक जैसे ये दोनों कैंडल्स कंपेयर करने पे एक पतली है और एक मोटी है वैसे ही ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी थिन है कौन सी थिक है सो माय डियर किड्स इन कैंडल्स की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऑब्जेक्ट्स में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट थिन है यानी पतला और कौन सा ऑब्जेक्ट थिक है यानी मोटा ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके शेप और साइज के बेसिस पे सो माय डियर केट्स आई होप कंसेप्ट ऑफ थिक एंड थिन आपको इजीली समझ में आ गया होगा वी विल सून मीट विद न्यू कंसेप्ट तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी